एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं तमो जिले की खबरें। ऐशन परिवी को प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन पैदा होने वाले बच्चों के नामों को लेकर के भी अभिभावकों में खासा उत्साह नज़र आया। अभिभावकों ने अपने नवजात बच्चों के नाम सीता, जानकी, राम, राघव सहित अन्य भगवान से जुड़े नामों को रखने में रुचि दिखाई। दमोह जिला अस्पताल में विशेष व्यवस्थाओं के तहत प्रतिदिन ही डिलीवरी कराने के लिए माताएं आती हैं, तो ऐसे में यहां पर विशेष सुविधाओं के साथ बच्चों के जन्म होते हैं। मालूम हो कि यहां पर शिशु गहन चिकित्सक में लगातार ही बच्चों के सुरक्षित प्रसव कराए जाते हैं और इसको लेकर के प्रदेश भर में शिशु गहन चिकित्सा इकाई का नाम भी अव्वल रहा है। ऐसे में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम लला की स्थापना के दिन जिन भी बच्चों का जन्म हुआ उनके माता पिता ने उन बच्चों के नाम सीता, जानकी, राम, राघव इत्यादि रखे और लोगों में भगवान के नाम रखने के प्रति उत्साह भी नज़र आया। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। हम पथरिया तहसील से हैं, दमो यहाँ पर आए हैं। डिलीवरी हमारे यहाँ 7 बजे हुई थी, बच्ची हुई है और हमारी बच्ची का नाम रखने की कोशिश कर रहे हैं अपन सीता। कितनी खुशी मानते हैं आपके? बहुत ज़्यादा ही खुशी मानते हैं। राम पथरिया सदगुआ सायपुर से हैं। कितने बड़ी बच्ची हुई? कितने बड़ी हुई थी पहला? वो 1.5 किलो के वजन की है। आज हम और बहुत खुशी मना रहे, हमारे यहाँ बच्चा हुआ है। 22 जनवरी को राम भगवान का भी जन्म हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। कल सोचा इसका नाम क्या रखेंगे? राम भगवान रखेंगे। कहाँ से आते हैं? पिपरौदा से, पिपरौदा छक्का। देखिए हमारा प्रतिदिन का आंकड़ा 15 से 17 डिलीवरीज का रहता है। आज अभी तक 18 बच्चों की डिलीवरी हो चुकी है, जिसमें जो हमको जानकारी मिली है उसके अनुसार 15 बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए हैं और लगभग 3 से 4 बच्चों के सीजेरियन ऑपरेशन से उनकी डिलीवरी हुई है। इसमें से 10 जो बच्चे हैं वो फीमेल हैं और 7 से 8 बच्चे मेल हैं, पुरुष बालक हैं हालांकि। और अभी 6 घंटे बाकी हैं तो ये आंकड़ा थोड़ा और बढ़ेगा। देखिए ऐसा विशेष डिमांड वाली बात तो स्थिति ऐसी नहीं आई है, क्योंकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जगह जगह से रेफर होके लगातार केस आते रहते हैं। लेकिन ये ज़रूर अच्छी बात है कि जो हमारा संस्कृति है उसके अनुसार जो दादी नानियाँ जो महिलाओं के साथ आती हैं उन्होंने अपने बच्चे का नामकरण राम, सिया, जानकी, अयोध्या प्रसाद, इस तरह से उन्होंने ज़रूर उन बच्चों के नामकरण करना शुरू कर दिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। निश्चित तौर पर रामलला विराजमान हुए हैं आज अयोध्या में, बहुत ही शुभ मुहूर्त था, तो उन सभी माओं को अपने बच्चों पर बड़ा नाज है और वो बड़ी खुश भी थी कि आज के दिन उनके बच्चों का जन्म हुआ। उनके परिवार वाले भी काफ़ी खुश थे। अनुमानित अगर हम गणना करें तो 50 से 60 डिलीवरीज हमारे ज़िले में हुई होंगी आज की स्थिति में। अगर प्राइवेट का आंकड़ा जोड़ दें तो ये संख्या और 80 के आसपास पहुंच जाएगी।